गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में मैंने आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और एक कंसेप्ट भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इस तरह से होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड एच एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, इन दैट केस हम कहां पे उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे? ए के ऊपर, जहां वो अपने बिहेवियर को बदल रहा है। जहां पे कोई फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है उस पॉइंट पे हम उसको स्टडी करते हैं कि वहां पे वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसके ऊपर हमने दो तीन प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जिसे हमारे पास प्रॉब्लम ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इफ x इज लेस देन 0 इट इज 0, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 इक्वल टू 1, यहां पर इक्वल टू लगाएंगे इट इज इक्वल टू 4x, इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसे इसको हमने नाम भी दिया था, जो हम ब्रेकिंग पॉइंट बोल रहे थे, जहां फंक्शन अपना बिहेवियर को चेंज कर रहा है वहां हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पे भी इसको चेक कर रहा है कि कोई पॉइंट नहीं दिया, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि हमें कहां कहां पे चेक करना है। तो यहां जैसा दिख रहा है कि मुझे एक तो जीरो पे चेक करना होगा, क्योंकि जीरो से पहले कुछ और है, जीरो के बाद भी कुछ और है। मतलब एक तो x इक्वल टू 0 पे इसने अपना बिहेवियर चेंज किया और एक x इक्वल टू 1 पे इसने अपना बिहेवियर चेंज किया। तो दो जगह पे इसने अपना बिहेवियर चेंज किया हुआ, कहां कहां पे? एक x इक्वल टू 0 पे और एक x इक्वल टू 1 पे। तो हमें अब इन दो पॉइंट्स पे यहां पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस का मीनिंग अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ में कोई ब्रेक, गैप या जंप ना हो। ठीक है, तो अब इसको चेक करना है। सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से पहले फंक्शन ये। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, दैट मींस माइनस h। तो ये बन गया लिमिट h टेंड टू 0 2 इनटू माइनस h, h को 0 डाल दिया, सो 2 इनटू 0 इट इज 0। नाउ RHL एट x इक्वल टू 0, RHL क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से आगे बटा फंक्शन ये है, फंक्शन अब ये है 0, 0 से आगे इसकी क्या वैल्यू दी हुई है? कांस्टेंट दी है 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 कांस्टेंट की लिमिट वही। नाउ f ऑफ 0 इक्वल टू का साइन 0 पे यहां लगा है, मतलब f ऑफ 0 यही हो गया, f ऑफ 0 हो गया 0 जो यहां पे दिया हुआ है। तो LHL 0, RHL 0, f ऑफ 0 0, सो as LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो हम बोलेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, कहां पे? 0 पे चेक करने। अब मैं इसी को 1 पे भी चेक करूंगा। नाउ लेट अस चेक एट एक्स इक्वल टू 1, we have to check, so LHL के लिए limit x tends to 1 negative, 1 से पहले function क्या है? 0,
कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे चेक करनी है तो ये यूज होगा, क्योंकि फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 f(x) = 0 उस पे लिमिट लग रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 0। अब 0 की लिमिट 0 क्योंकि x कहीं डालने को है नहीं, तो इसको हमने नेचुरली पुट नहीं किया क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट वैसे ही आ गई। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, अब किस पे लगेगी लिमिट, 1 से आगे कौन सा फंक्शन, ये 4x। नाउ पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, यह वेरिएबल इन्वॉल्व है तो हम ऐसे कर लेते हैं, वेयर x टेंड्स टू 0, सो लिमिट x टेंड टू 0 4 into 1 plus h, h को 0 डाल दिया, 4 into 1 is equal to 4, so LHL is not equal to RHL, यहां पर 1 पे LHL तो 0 आई, RHL 4 आई, so we can say f of x is discontinuous at x equal to 1, ये जो है वो x equal to 1 पर discontinuous। ऐसे हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो ये भी उसी कंसेप्ट के ऊपर था जो कंसेप्ट मैंने आपसे ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है तो उस ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करना होता है, द पॉइंट एट व्हिच फंक्शन इज चेंजिंग इट्स बिहेवियर, यू हैव टू चेक ऑन दैट पॉइंट वेयर द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स बिहेवियर, so that point is called breaking point, you have to check at that point, so in this case there were two breaking points, one was at x equal to 0 because for x less than 0 function was 2x, for x greater than 0 function was 0, so at 0 it was changing its behavior and also at x equal to 1 it was changing its behavior, for x less than equal to 1 it was 0, for x greater than 1 it was 4x, so at two points it was changing its behavior at x equal to 0 and at x equal to 1. So we have to check at both of these two points where the function was changing its behavior. So now let us move forward to the next type of problem. अगला जो यहां पे इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है मैं पहले उसको डिस्कस करूंगा और फिर उसकी वाली प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस कर लूंगा। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26-29 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, तो अभी मैं पहले इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है बहुत बार फाइनल एग्जाम में आई है, वहां पे लिखा है फाइंड के, आपको के की वैल्यू निकालनी होगी सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन जो है वो सिंडिकेटेड पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो, जैसे हमारे को दिया गया है f(x) NDA में भी ये सेम क्वेश्चन आ चुका है पहले, k cos x upon pi minus 2x, x not equal to pi by 2 पे and it is 3 if x equal to pi by 2 at x equal to pi by 2, इसको चेक करना है, मतलब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन पाई बाई टू के ऊपर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूस है पर के की वैल्यू निकालनी, ये दे दिया है इसमें, इसमें चेक नहीं करना है, सॉरी इसमें सिंपल आपको ये बताना है कि के की वैल्यू निकालिए अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाई टू पे, समझ रहे हैं आप, आपको पहले ही बोल दिया कि ये फंक्शन पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूस है, तब इसमें k की वैल्यू निकालनी है, कॉन्टिन्यूस है तो इतना तो अंडरस्टूड है, एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय टू
ये दे दिया गया है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बोल दिया है कि ये पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूस है, तब आपको के निकालना है। तो कॉन्टिन्यूस है पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे क्या होगा, जो एल एच एन होगा वही आर एच एन होगा और वही एफ ऑफ पाई बाई टू होगा। और आई कैन से एल एच एन इज इक्वल टू आर एच एन इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू, कितना दिया गया है x is equal to pi by 2 में इसकी क्या वैल्यू है 3, ये दोनों 3 के बराबर होंगे। इसको यूज करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चाहे LHL निकाल लो चाहे RHL निकाल लो, यहां पे तो एक से काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है k कंटीन्यूअस इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं LHL निकाल लेता हूं सपोज, क्योंकि अंडरस्टूड है LHL RHL के बराबर होगा बिकॉज़ इट इज कंटीन्यूअस, इट हैज बीन गिवन दैट इट इज कंटीन्यूअस, सिर्फ आपको k बताना है उस केस में। तो LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव एंड फंक्शन इज दिस k cos x अपॉन पाई माइनस 2 x। देखिए अब यहां LHL के लिए भी यही यूज होगा, RHL के लिए भी, क्यों, क्योंकि यहां लेस देन ग्रेटर देन का फंडा नहीं दिया है। यहां पे सिर्फ पर क्या बोला है कि सिर्फ पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 3 है, पाई बाय 2 से पहले भी और पाई बाय 2 के बाद भी, सिर्फ पाई बाय 2 पे नहीं ये, पाई बाय 2 पे 3 है, पाई बाय 2 के पहले और बाद दोनों पे यही है, क्योंकि यही फंक्शन है फॉर x नॉट इक्वल टू पाई बाय, यहां ग्रेटर देन लेस देन में कुछ नहीं बताया गया है, यहां सिंपल इतना बताया गया है कि सिर्फ जब पाई बाय 2 नहीं है तो हमेशा फंक्शन ये, जब पाई बाय 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3। अब LHL के लिए भी यूज होगा, RHL के लिए भी यूज होगा, कोई भी आप निकाल लो काम बन जाएगा। जैसे मैं LHL से कर देता हूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव रिप्लेस, नाउ LHL है तो x को डालेंगे a माइनस h, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h वेयर x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगी k cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, जहां भी एक्स था वहां पाई बाई 2 माइनस एच। अब यहां पे ध्यान से देखना एक स्टेप, लिमिट एच टेंड टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच कॉस 90 माइनस थीटा, पढ़ा है 10th क्लास में भी और प्लस 1 में, इट इज साइन थीटा सो इट विल बी साइन एच, कॉस पाई बाई 2 माइनस एच विल बी साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 into pi by 2 under multiply कर दिया, minus into minus plus का 2 है, 2 से 2 गया, pi से pi चला, हमारे पास रह गया limit extend to 0 k sin h upon 2 into h। ठीक है जी, ये हमारे पास यहां पे रह गया। अब मैं क्वेश्चन को रख लेता हूं, अब ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 इसको लिख सकता हूं k बाय 2 sin h अपॉन h, k बाय 2 कांस्टेंट है लिमिट से बाहर आ सकता है, k बाय 2 लिमिट h टेंड टू 0 sin h अपॉन h फार्मूला है ये डायरेक्ट लिमिट का, अगर आपको याद कर रहा हूं तो प्लस 1 में भी पढ़ाया और मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पहले लेक्चर में भी बताया था, लिमिट x टेंड टू 0 sin x upon x क्या होता है 1, यहां पे कितने हैं बिकॉज करके यहां से क्या है, ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है इसकी वैल्यू बन गई 1 k / 2 into 1 is equal to k / ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 1 क्योंकि ये कंटीन्यूअस था तो LHL is equal to RHL is equal to 3 so k / 2 should be equal to 3 k is equal to 6, ऐसे आप इसको कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार पांच बार फाइनल में आया है, एनडीए में भी आ चुका है, तो इसमें हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूस था पाई बाई टू पे, तब आपको के की वैल्यू निकालनी थी, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उस केस में। तो हमने स्टार्टिंग कहां से की, स्टार्टिंग हमने यहां से की कि भाई अगर वो पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूस है
तो LHM उस पाई बाई टू पे बराबर होगा, RHL के बराबर होगा F of पाई बाई टू के। F of पाई बाई टू हमें दिया था 3, यानी LHL और RHL तो दोनों बराबर होंगे ही क्योंकि कॉन्टिन्यूस है और वो 3 के बराबर होंगे। तो किसी एक को निकाल के 3 के बराबर डाला और A निकल गया इस केस। तो इसी तरह की अब एक प्रॉब्लम और देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह की एक प्रॉब्लम और है, ये क्वेश्चन नंबर 26 आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको कह सकता हूं कि प्रॉब्लम है, बार बार पूछी जाती रही है। आप देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में भी आपको k बताना है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे जिसको इंडिकेट किया गया है, x square x is less than equal to 2 and 3 if x is greater than 2 at x equal to 2 दे दिया गया है कि ये जो आपका फंक्शन है ये 2 पे कॉन्टिन्यूस है, 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है, तब आप इस k की वैल्यू को बताइए। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमने इसको स्टडी करना शुरू किया था। हम बोलेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स जो है हमारा 2 पे कॉन्टिन्यूस है, एल एच एल बराबर होगा आर एच एल बराबर होगा एफ ऑफ 2, ठीक है। LHL will be equal to RHL will be equal to F of 2। तो अब यहां पर देखिए हम इनको किस तरह से निकालेंगे। LHL x less than 2 यहां से निकल आएगा, RHL यहां से निकल आएगा, इनको इक्वल करके भी निकाल सकते, या RHL निकालो और F of 2 निकालो। बार बार एक को ही यूज नहीं करना है क्योंकि एक ही दोनों यूज तो दोनों को कब, यहाँ पे क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन का फॉर्मूला है, तो हमें पता है कि या तो हम LHL RHL निकालें और उसको F of 2 के बराबर डाल लें, या F of 2 निकाले और RHL निकाले उनको इक्वेट कर लें, कैसे भी हो जाएगा। जैसे मैं LHL RHL निकाल के बराबर कर देता हूँ, मान लो LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से पहले कौन है kx, नाउ क्योंकि ये दोनों बराबर करके वैल्यू निकल आएगी, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू 0। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 k इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, h को 0 डाल दिया, k इंटू 2 का स्क्वायर 4k, ठीक है जी। ये आगे आगे चल, नाउ RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से आगे क्या वैल्यू है इसकी, कांस्टेंट ही है 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 3, x कहीं नहीं डालने को, कांस्टेंट की लिमिट वही 3 आ गई। सो फ्रॉम 1 जो हमने 1 माना, From one, LHL और RHL भी बराबर होने चाहिए तभी continuous होगा, यानी 4k is equal to 3 के बराबर होना चाहिए, k equals to 3 by 4। तो ये हमारे पास इस तरह से k का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमारे पास पूछी जाती रही है बार बार कंटिन्यू के लिए। आज
26 टू 29 में दो मैंने डिस्कस कर दी है, बाकी आपने करनी है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 29 आज कंप्लीट करिए अपनी अपनी कॉपी पे। और ये मान के चलिए इनमें से भी फाइनल में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर ध्यान से करें तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट वही है। बार बार मैं तुम्हें कह रहा हूँ कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कुछ डिफर नहीं है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है दैट LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F of A। आज जो हमने स्टडी की मेजर दो प्रॉब्लम्स लास्ट की, उसमें क्या था? उसमें था कि फंक्शन दे दिया गया था कंटिन्यूअस है, आपको चेक नहीं करना था। जो लास्ट की दो के वाली प्रॉब्लम्स हमने की, उनमें आपको चेक नहीं करना था कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसने बोल दिया कि वो कंटिन्यूअस है, अगर वो कंटिन्यूअस है तब आप उन क्वेश्चंस में ए की वैल्यू निकालिए। तो आपने कोई भी दो वैल्यूज को इक्वेट करके उनको निकाल सकते थे। कैसे? LHL should be equal to RHL should be equal to F of A। किन दो को बराबर कर लो जहां से के मिल रहा। और कोई इसके अंदर नया कांसेप्ट नहीं है, बहुत आसान पार्ट है। ध्यान से करोगे तो 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी पार्ट है। दैट्स ऑल फॉर द डे। कल इसको कंक्लूड करेंगे, कल कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द बेस ऑफ योर नेक्स्ट एंटायर टू चैप्टर्स दैट इज डिफरेंशिएशन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।